गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ी प्यारी सी ये प्लेट है। हाँ जी, डिश आपने ये तरतीब दी है कि खांसी, नज़ला, बुखार, छींके से दूर कर। चार प्यालियों में सिर्फ हल है इसका? नहीं नहीं, हल तो बहुत सारी प्यालियों में है। आप चार लाएंगे? दो चम्मच भी हैं। अच्छा, अगर मतलब नज़ला, जुकाम, बुखार तो इसका मतलब है इन्फेक्शन बढ़ गया। जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर जैसे स्टार्ट हो रहा है तो कहते हैं इसको रोकना भी नहीं चाहिए, पहले एक दो दिन, जाहिर सी बात है कोई है तो इन्फेक्शन है जो भी हो जाए दो दिन छुट्टी आपको मिल जाए ताकि। हाँ, लेकिन आजकल जो हो रहा है और खास पूरे पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा डीट वाला है, जा नहीं रहा और लोगों के जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसा लोग डर जाते हैं कि खुदा ना खास्ता फिर दोबारा कोई और बीमारी तो नहीं हो गई है। तो उसके लिए सबसे पहले किचन में आपका एंटीबायोटिक है लौंग। लौंग जो है उसको भून कर शहद में मिला के रख लिया करें। उसको थोड़ा थोड़ा सा, जैसे 1 ग्राम से भी कम, दिन में 2 बार खा लिया करें तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चों को सिर्फ चटा दिया करें। दूसरी चीज़ अदरक आती है कि अदरक का कहवा बना के पिए। तीसरी चीज़ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए लीमू है, लाइम, यानी कि बड़ा वाला लीमू खोलते गर्म पानी में डाल के पी लिया करें। मगर आजकल के लिए जिस तरह का ये है, जा ही नहीं रहा है, जितनी भी दवाइयाँ ले लें, खांसी ऐसी होती है ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने लोग अंदर से ऐसे बोल रहे हैं। और ये 16 साल का लड़का है, ये जब खांसता तो लगता है जैसे कोई 36 या 46। 2 साल बढ़ा क्यों दिया आपने? 14 ईयर, ओके चलो 14 साल का कर। अब देखिए 14 साल का लड़का है, अब खांसता लगता है कोई बूढ़ा खांस रहा है। किरण देख सकते हैं 14 को 41 कर दें, कोई मसला नहीं दोनों के लिए। आपने ये करना है कलौंजी लेनी है, कलौंजी लेनी है, कलौंजी को आप पीस के रख लें, एक बर्नी में रख लें। वैसे तो इसका जो असल तरीका वो ये है कि 2 चम्मच कलौंजी आपने लेनी है, आपने 2 ग्लास ही पानी लेना है, उसको इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाए तो आप चाहें तो उसको छान लें। उसके बाद गरम गरम पीना है और यहाँ रोक के पीना है और पिंच नमक डाल देना है। अच्छा, कुछ लोग घबराते हैं कि भाई कलौंजी जो बहुत गर्म होती है, तो 1 टीस्पून से शुरू कर लें। लेकिन अगर सही तरीके से करें तो 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून और 2 ही ग्लास पानी है। और फिर जब वो 1 कप रह जाए उसको छान के उसमें आप पिंच नमक डाल के और सिप पिए, उनकी वो खांसी जो किसी सूरत नहीं जा रही होती उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक तो ये भी है ना, अगर सुबह थोड़ी सी सर्दी मिली तो शाम में नहीं मिली, शाम सर्द थी तो सुबह बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये जो लहरें हैं ना, हाँ वो ख़राब कर देती हैं। जैसे हम ठंडे से गर्म में जा रहे हैं, मॉल से निकले बाहर, सूरज भाई आंखें दिखा रहे थे। अगर इस भाई तरह की, भाई आपने, हाँ, उसके लिए सेब का जूस बहुत अच्छा होता है कि आप सेब का जूस जो है उसमें आप लौंग डाल के पिए। तो फिर ये जो ठंडा गर्म का होता है ना कि आपको एकदम सर्दी से गर्मी में, गर्मी से सर्दी में, उससे भी आपको जो है ना स्नीजिंग हो जाती है, छींके आना शुरू हो जाती है, एलर्जी होती है। तो फिर आप अगर किचन टिप करना चाहते हैं तो सेब का जूस उसमें आपने लौंग डालना है और वो पिए तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये कहा जाता है कि इस तरह का जो सीज़न है इसमें रोज़ाना ही कोशिश कर लें कि स्टीम ले लें, भाप ले लें। बहुत बेहतरीन चीज़ें नमक या नीम के पत्ते और नमक डाल के स्टीम लें तो बहुत अच्छा। बल्कि अगर आप चाहें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे खुनकी की वजह से ना आपकी नाक जो है बल्कि ड्राई हो जाती, तो उसके लिए आप कह रहे हैं यूकलिप्टस के पत्ते, सफ़ेदा पूरे पाकिस्तान में आपको मिलता है। आपने एक पतीली में खूब पानी को खुलाया ढक्कन ढककर, फिर जब मतलब कि सारे बच्चे सो गए, सब सोने वाला टाइम है, तो आपने क्या किया उसमें यूकलिप्टस के पत्तों को क्रश करके डाला, नीम के पत्तों को डाला और उसका जो ढक्कन हटा दिया, जो उसके फ्यूम्स जाएंगे पूरे रूम में तो वो मॉइस्चर भी करेंगे और जाहिर सी बात है आप इनहेल करेंगे तो आपकी जो नोज़ की ड्राइनेस होती है वो भी ख़त्म होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ड्राइनेस की वजह से ब्लीडिंग भी हो जाती है, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, पारस है हमारे साथ, डॉक्टर बिल्कीस साहब की बात सुन रही है, बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं पारस बात कर रही हूँ कराची से, ये डॉक्टर बल्की से बात कर रही हूँ। हाँ जी, आप बात कीजिए। पारस बोलें, मुझे ये पूछना है कि जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है मेरी खांसी खत्म नहीं इतनी, और मैं स्टीम भी देखती हूँ, सब कुछ एंटीबायोटिक भी लिए, फिर भी कुछ वक्त सही है, नज़ला, खांसी, फिर वही स्टार्ट हो जाता है, तो इसका पता किससे सही हो जाए? अभी जो मैंने कलौंजी वाला टोटका बताया ना, वो कीजिए, इंशाल्लाह उससे आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, अनदर कॉलर नसीर फ्रॉम कराची, गुड मॉर्निंग, क्या आप पूछना चाहेंगे? डॉक्टर बिल्कीस आपको सुन रही हैं। नसीर, आपको आवाज आ रही है?
जी आवाज आ रही है, लेकिन वहाँ कॉल तो लगी हुई है। सर सवाल कीजिए। मेरा सवाल डॉक्टर बिल्कीस से ये है कि बच्ची है मेरी तकरीबन कोई 2 महीने की है, उसको पिछले 1 महीने से गैस का प्रॉब्लम चल रहा, पेट में गैस का प्रॉब्लम है, फूला फूला सा लगता है, और उसकी दर्द की वजह से तो तकलीफ भी होती है, और इसके अलावा हम डाइजेस्ट के कतरे वगैरह ये भी दे चुके हैं, और भी बहुत सारी चीजें डॉक्टर ने दी हैं। अच्छा अच्छा, मुझे 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 एक बात बताएं, बच्ची बहुत छोटी है, 2 महीने की है, तो मदर फीड पर है? मदर फीड नहीं, वो बाहर का फीड लेती है, लैक्टोजन देते हैं उसको वन। अच्छा, तो आप ऐसे कीजिए उसके डॉक्टर के पास जाए, उसका दूध चेंज कराएं, ठीक है? लैक्टोज फ्री मिल्क जो होता है आपको वो देना पड़ेगा। अगर बच्ची बहुत छोटी है और आपने एक दवा का नाम लिया, उससे फ़र्क पड़ता है। एक्सटर्नल मैं बता सकती हूँ आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में आप मतलब अगर 2 चम्मच सरसों का तेल है तो 1/4 टीस्पून आप हींग थोड़ा सा इसको गर्म कर लें, तो ये सरसों का तेल हींग में मिक्स हो जाएगा, हींग जो है डिजॉल्व हो जाएगी। इससे जो है ना पेट पे आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कराएं, और बच्चे को लैप पे थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश करें, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, तो उससे जो उनका गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बच्ची को करें तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप डॉक्टर के पास जाके उसका जो मिल्क आप लोग दे रहे हैं उससे उसको चेंज करें। बिल्कुल, आप बच्चे को लिटाएं सामने और साइकिल चलाएं उसके पैरों की, एक्सरसाइज होती है। हाँ, बहुत अच्छी, बड़ी एक्सरसाइज होती है। चलें जी, एक और कॉलर, मिसेस खालिद। मिसेस खालिद हमारे साथ है, डॉक्टर बिल्कीस सुन रही है आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जी। मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। यकीन जाए डॉक्टर बिल्कीस बात कर रही है, ट्रस्ट मी। जी कैसी हैं आप? जी मैं चाय शाय मंगवाई, अब सवाल कर लें जल्दी जल्दी से। ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं डॉक्टर साहब, मुझे आपसे मिलकर बहुत, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको टीवी पे अक्सर देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह की तरफ से आज मेरी कॉल भी लग गई। मैंने आपसे पूछा था, मेरे हस्बैंड को ना थायराइड का मसला है। अच्छा, तो वो शाम के टाइम उन्हें सर्दी भी लगना शुरू हो जाती है और बुखार सा भी हो जाता है। अच्छा, ये थायराइड की वजह से होता है क्या? थायराइड के वो जो मेडिसिन है वो सही तरीके से नहीं ले रहे हैं? मतलब नहीं, वो डॉक्टर ने बताया था कि थायराइड और चेक वगैरह भी करवाया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाई। डॉक्टर के पास जाने से वैसे ही वो डरते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे मैं लाहौर आ रही हूँ 13 और 14 को, अगर आप आना चाहें, क्योंकि जो देखकर इंसान बता सकता है, क्योंकि बुखार हो रहा है और उसको CBC विद ESR ज़रूर कराएं। देखिए, डरने से नहीं होता, हिम्मत करें, घबराना नहीं है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन बुखार है तो इसका मतलब है बॉडी में इन्फेक्शन है, उसका मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत ही आम सा टेस्ट है, वो करा लें तो उससे पता चल जाएगा। वैसे एक अगर बुखार किसी नहीं जाता और रात को चढ़ता है, तो बरहम डंडी एक बूटी है, उसको पीस के पाउडर बना लें और उसको 1 ग्राम के करीब मक्खन में मिलाकर ना सुबह खाली पेट खिला दिया करें, और 15-20 मिनट तक नाश्ता नहीं करें। लेकिन अगर थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो यही चीज़ जो है ना वो असर के वक्त करें। असर के वक्त का मतलब ये है कि आपने खाना दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान खा लिया हो, और वो जो है हज़म वाली चीज़ें खाई हो, जो 4-4, 8-8 घंटे हज़म होती है वो नहीं, मतलब कि जल्दी हज़म होने वाली चीज़ें खाई हो, तो आप ये करके देख लीजिएगा। वैसे ये बरहम डंडी का नाम बरहम डंडी क्यों है? वो बहुत भरम से रहती है ना कि वो उसमें उसमें ये भरम है, वो बुखार को उतार सकती है, वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी है। कि अभी जो इनसे पहले कॉलर, उन्होंने वो बेबी के बारे में बताया, 2 महीने के बच्चे को प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा मदर की तरफ से नहीं हो रहा? देखिए, असल में ये है कि वो फार्मूला मिल्क पे है, जो फार्मूला मिल्क पे ना, मदर फीड नहीं करा रही। लेकिन अगर माएँ बच्चियों बच्चों को अगर दूध पिला रही हैं, तो उनको जो है ना वो पुराना, जैसे अब कुछ कहती कुछ नहीं होता, चावल खा लेते हैं, नहाने के बाद फीड करा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें एहतियात इलाज से बेहतर है। पुराने ज़मानों में कुछ चीज़ों को कहते हैं मिथ है, अगर वो मिथ भी है और अगर आपके बच्चे की सेहत बनी रहती है, तो उन मिथ पे अमल करने से क्या है? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर हम साइंटिफिक लॉजिक पे जाएं, तो अभी फिर हम जो है फिर हम अल्लाह को मानते हैं, है ना?
तो इसलिए ये है कि आप लॉजिक हर चीज में ना ढूंढे, अपनी आसाइशें ढूंढे, ये देखे कि आपके बच्चे की सेहत किस में, वो चाहे लॉन्ग से मिले, हाँ चाहे लॉन्ग के लश्कारे से मिले, लॉन्ग का लश्कारा कहाँ से आया? वैसे ही। इससे पहले मजीद गड़बड़ करूं, बढ़ना चाहिए हमें आगे एक और टॉपिक की तरफ।